हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुनीता सिंह चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट से तैयार होने वाला मटर मूंगफली का नाश्ता, जो बहुत ही टेस्टी होता है। यह नाश्ता थोड़ी चटपटी भी होती है तो थोड़ी स्पाइसी भी होती है। तो चलिए देख लेते हैं मटर मूंगफली नाश्ते के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास मटर के दाने हैं, फ्रेश मटर हैं, थोड़े से रोस्ट किए मूँगफली हैं जिनके हमने लगभग छिलके निकाल लिए हैं। हमने आधा नींबू लिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर है आधा चम्मच से भी कम है, भुजिया है सेव भुजिया, आलू अजवाइन है, करी पत्ता है, तीन हरी मिर्ची जिन्हें हम बारीक बारीक काट लिए हैं, एक प्याज है मीडियम साइज़ के जिन्हें हमने लंबे भाग में काटे लंबे पीसेज में काटे हैं, थोड़ी सी जीरा है, चाट मसाला है, सफ़ेद नमक है, मस्टर्ड ऑयल है। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर पैन रखते हैं। हमने गैस ऑन करके पैन रख दिया, उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। इसमें हमने 2 चम्मच के लगभग मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। तो ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं, ऑयल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, हमने आज को स्लो कर दिया है। और इसमें हम सबसे पहले जीरा डाल देते हैं, जीरा को हल्का सा रोस्ट होने देते हैं, चला दीजिए। अब इसमें कटे हुए प्याज डाल दीजिए, फिर हमें हल्का सा कलर लाना है, जलाना नहीं है, हल्का सा बस कलर का कच्चा प्याज का कच्चा पर निकल जाए, जिसे हल्का सा मीडियम आँच पे रोस्ट कर लेते हैं। कलर में थोड़ा सा अच्छा सा कलर प्याज में अच्छा सा कलर आ जाए। हमने आज को मीडियम ही रखा है, स्लो नहीं रखा है। थोड़ा सा इस प्याज में हल्का सा कलर आ गया, प्याज का कच्चापन चला गया है, आज को हमने मीडियम ही रखा है। अब इसमें हम करी पत्ता डाल देते हैं। हम पहले करी पत्ता नहीं डालते, ये तो हमारे करी पत्ता जल जाएंगे, इसे हमें जलाना नहीं, इसे हल्का सा कलर चला दीजिए अच्छी तरह से। 1 मिनट के लिए हम इस करी पत्ता डाल कर भून लेते हैं। इसमें हम अजवाइन डाल देते हैं, मिक्स कर दीजिए। ये बहुत ही चटपटी होती है, कम समय बनने वाला नाश्ता है। हरी मिर्ची डाल दीजिए, जितना आपको तीखा पसंद है उसके हिसाब से मिर्ची डालिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, कम पसंद है तो कम डालिए। आज को हम थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं, फुल फ्लेम पे नहीं रखना है, ये तो प्याज हमारे जल जाएंगे और ये नाश्ता हमारा अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हमें हल्का से प्याज में कलर लाना है। इसे चलाते रहिए, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देते हैं, अच्छा से कलर आ जाए, मिक्स कर दीजिए। 1 मिनट के लगभग भून लेना है, हल्दी का कच्चापन निकल जाए। जब ये मटर का सीजन है, अगर आपके पास मटर है, फ्रेश मटर है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही चटपटी हो बनती है, काफ़ी स्पाइसी भी बनती है, लेकिन कम समय में झटपट तैयार होने वाला नाश्ता है। चलिए एक बार इसे चला देते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें पहले हम मटर डाल देते हैं। मटर को थोड़ा सा हमें सॉफ्ट कर लेना है, आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस आलू के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने आलू नहीं लिया है, सिर्फ हम मूंगफली और मटर ला रहे हैं। अगर आपको आलू पसंद है तो आप आलू डाल दीजिएगा, तभी हमारे नाश्ता ऐसे ही टेस्टी बनेगा, झटपट रेडी होगा। हम इसे ढक्कन से 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं, क्योंकि मटर हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसे ढक के 2 मिनट के लगभग पका लेते हैं, फिर ढक्कन हटा के चला देते हैं। मटर हमारे लगभग सॉफ्ट हो चुके हैं, आज को हमने स्लो ही रखा है, फुल फ्लेम पे नहीं रखा है। इस तरह से आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं, पैन भी ले सकते हैं, इस तरह से इसको कर लीजिए। अब इसमें हम ये रोस्ट किए हुए मूंगफली दाने डाल देते हैं। आप चाहे तो आप मूंगफली को पहले तल के ऑयल में निकाल लीजिए, अब उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस करिए, लेकिन हमने मूंगफली को पहले से ही रोस्ट किया था, ये भी बिना ऑयल के हमने इस तरह से कर लिया है। अब इसमें हम सॉल्ट डाल देते हैं स्वाद अनुसार। थोड़ा ही नमक डालें, क्योंकि हमें चाट मसाला भी डालना है, चाट मसाला भी नमक होते हैं, इसलिए हम नमक की मात्रा कम ही रखे हैं। इसे कर दीजिए, आज को हमने मीडियम कर दिया है। अगर आपको मटर मूंगफली के नाश्ता इसे भी अच्छा बनाने आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हमें अच्छा लगेगा। हम इसमें अब चाट मसाला डाल देते हैं। हमने चाट मसाला को इसमें निकाल लिया था, आधा चम्मच से भी कम है। लेमन के जूस हम लास्ट में डालेंगे उतारते समय, जब हम गैस ऑफ कर देंगे। आज को हमने थोड़ी सी तेज कर दिया है,
अब हम आपको धनिया पत्ती बताना भूल गए थे, अब इसमें हमें धनिया पत्ती भी डाल लेंगी डालना है। इसे हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। हमारी लगभग ये रेडी हो गई है, 2 मिनट के लिए लगभग हम इसे फिर ढक देते हैं। दो मिनट के लगभग हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं। हम धनिया पत्ती डाल देते हैं जो हमने काट लिया है, इसे मिक्स कर दीजिए। हम गैस को ऑफ कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, इसमें करी पत्ता का अलग सा फ्लेवर आता है। अगर आप ये वाला नाश्ता ट्राई करें हैं तो करी पत्ता ज़रूर डालिए। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है, आप थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे करी पत्ता लगभग हर जगह मिल जाती है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, देखो कितना अच्छा, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हमें लेमन जूस डाल देना है, लेमन जूस ज़रूर डालिए। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप खटाई पाउडर डाल सकते हैं। मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से, इसे गरम गरम ही खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। चाय के साथ ले लीजिए, चाय के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, खासकर बच्चे इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए इसे प्लेट निकाल के सर्व करते हैं। मटर मूंगफली का नाश्ता लगभग रेडी हो चुका है, हमने इसे प्लेट में निकाल दिया। हम इसमें नमकीन डाल देते हैं थोड़ी सी, अगर आपको नमकीन नहीं पसंद है मत डालिएगा, अपने पर डिपेंड है, लेकिन हम नमकीन डालें क्योंकि नमकीन हमें अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। अगर फर्स्ट बार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आते हैं ऐसे, आते रहेंगे ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।